जय हिंद स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? इस मैटर अराउंड अस प्योर, दैट मीन्स अगर आप क्लास 9th में केमिस्ट्री रीड कर रहे हैं तो वहां पर जो आपका चैप्टर है इस मैटर अराउंड अस प्योर, कैसे हम उसके प्रिपरेशन करेंगे और किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पर हम पार्ट वन वीडियो आपको दे चुके हैं जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर हमने कई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस किया है, कैसे क्वेश्चन है और उनका आंसर हम क्या करेंगे। अब चलते हैं पार्ट टू पर और देखते हैं कैसे क्वेश्चंस हमारे पास होंगे और इनका सोल्यूशन क्या है। तो आइए देखते हैं पार्ट टू का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर है आपका इस सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ टू आर मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टूगेदर इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास इज नोन एज ए और एन। आपको यहाँ पर ऑप्शन क्या सिलेक्ट करना है? आपके पास फोर ऑप्शन है, एलॉय, नंबर बी कंपाउंड, नंबर सी होमोजेनस मिक्सचर एंड नंबर डी हेट्रोजेनस मिक्सचर। अब यहाँ पर मीनिंग में आपको ये बता दूं कि अगर हम बात करते हैं एलॉय की, तो एलॉय हमारा क्या होता है? मिक्सचर्स होता है। एलॉय क्या होता है? मिक्सचर होता है। और मिक्सचर की अगर हम बात करें तो इनका केमिकल कंपोजिशन, या हम बात करें जब इनकी कंबाइन की बात करें तो केमिकली कंबाइन नहीं होते हैं, दैट मीन्स ये आपस में क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं। तो ना तो आपका एलॉय करेक्ट होगा और ना तो आपका होमोजिनस करेक्ट होगा और ना तो आपका हेट्रोजिनस करेक्ट होगा, बिकॉज यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती है। तो आपके पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी है, यही आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। एक तो इस बेस से हम समझ सकते हैं कि ये थ्री हमारे पास करेक्ट है ही नहीं, इसका मतलब यही करेक्ट होगा। और दूसरी बात, अगर मैं आपसे बोलूं कि कंपाउंड्स के बारे में, तो जब कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है तो टू आर मोर देन टू एलिमेंट्स आपस में क्या होते हैं? केमिकली कंबाइन होते हैं। बट जो उनका कॉम्बिनेशन होता है वो किस पे डिपेंड होता है? दैट मींस डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, मास के बेस पे वो लोग क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं। तो आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आपको क्या करना है? कंपाउंड को सेलेक्ट कर देना है जहां पर हम क्या कर रहे हैं? केमिकल कंबाइन करा रहे हैं। और वहां पर कंडीशन क्या है कि बेस्ड ऑन देयर मास, दैट मीन्स इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, वहां पर क्या हो जाएगा? कंपाउंड्स हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू आपके पास है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय मास इन H2O2। अब देखते हैं हमारे पास क्या है? H2O2 है, जिसका नेम क्या होता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है। अगर यहाँ पर हमें क्या करना है? बाई मास रेशियो देखना है। तो यहाँ पर देखेंगे किसमें रेशियो हम लोग निकाल रहे हैं। यहाँ पर जो आपको आइडेंटिफाई करना है वो रेशियो आपका होगा हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन। किसमें निकालना है? हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन। अब देखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हमारे पास? टू है, टू इंटू वन। हाइड्रोजन का मास कितना होता है? वन होता है, तो टू इंटू वन हो गया रेशियो। यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं? 16 है, और वन ऑक्सीजन का मास कितना होता है? सॉरी, ऑक्सीजन यहाँ पर टू है और वन ऑक्सीजन का जो मास होता है वो 16 होता है। तो आपका क्या हो जाएगा? ये टू रेशियो, और 2 × 16 करेंगे क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। 2:32 हो जाएगा। अब यहाँ पर ऑप्शन में कहीं पर 2:31 32 आपको नहीं दिया गया है, सॉरी 2:32 हो जाएगा, आपको कहीं पर गिवन नहीं है। अब गिवन नहीं तो हम क्या करेंगे? इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसको 2 से आप डिवाइड कर दीजिए, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा? ये 2 का 1 हो जाएगा, ये आपका 16 हो जाएगा। तो जो हमें लास्ट रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलेगा? 1:16। अब हम लोग चेक करेंगे क्या कहीं ऑप्शन में 1:16 दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे 1:8 है, रॉन्ग हो गया। 8:1 है, आपका क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। ऑप्शन सी हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है? 1:16 है, दैट मीन्स ये करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट वाला भी आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे, दैट मीन्स बाय मास। तो हमें क्या करना होगा? मास देखना होगा और उसी में क्या कर लेंगे? हम लोग रेशियो निकाल लेंगे। इन केस अगर आपको, जैसे मैंने बोला कि 2:32 नहीं मिल रहा है, ऑप्शन में नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? उसका सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं,
Which of the following is not a homogeneous mixture? That means यहाँ पर आपसे मीनिंग पूछी जा रही है. आपके पास फोर ऑप्शन है ए बी सी एंड डी. यहाँ पर आपका कौन सा होमोजिनस मिक्सचर नहीं है. इट मीन्स हम ऐसे भी कह सकते हैं इन फोर ऑप्शन में कौन सा हमारा हेट्रोजिनस मिक्सचर है. आइए हम बात करते हैं. फर्स्ट मिक्सचर ऑफ NaCl एंड H2O. तो H2O का मतलब क्या है, आपका वाटर है. तो आप जानते हैं अगर मैं आपसे बोलूं कि H2O हमारा कैसा होता है, तो H2O आपका कैसा होता है, कलरलेस होता है. तो सबसे पहले ये समझ लीजिए अगर हम बात करते हैं होमोजेनस मिक्सचर की, तो जो आपका होमोजेनस मिक्सचर होता है वो कैसा होता है, दैट मींस यूनिफॉर्म होता है. कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है. जो भी आपको दिखेगा एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा कंपाउंड्स का, पार्टिकल्स का. और अगर हम बात करें होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर की, तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. वहां पर आप टोटली समझ सकते हैं क्या डिफरेंस होता है. आपका कैसा यूनिफॉर्म दिखने वाला क्या है, होमोजेनस मिक्सचर है. आप कंसीडर कीजिए आपके पास क्या है, वाटर है. वाटर में आप क्या ले रहे हैं, वाटर में आप NaCl ले रहे हैं, साल्ट ले रहे हैं. जब आप उसको डिसॉल्व कर लेंगे आपको कलरलेस ही दिखने वाला है. दैट मींस ये हमारा क्या हो जाएगा, होमोजेनस हो जाएगा. सेम वही कंडीशन हमारे शुगर के साथ होती है. इसका आप मिक्सचर बनाइए. बेसिकली ये जो क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं आप ऑलरेडी यूज करते हैं अच्छे से. जब आप क्या देखेंगे, मिक्स करेंगे शुगर को वाटर के साथ, वो भी आपका क्या दिखेगा, कलरलेस दिखेगा. दैट मीन्स ये भी आपका यूनिफॉर्म दिखने वाला है, ये भी आपका क्या दिखेगा, यूनिफॉर्म दिखेगा. नेक्स्ट आपका है मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर. अब आप बोलेंगे ग्लूकोज तो हम मिक्स करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं दिखता. देखो जो आप ग्लूकोज मिक्स करते हैं वाटर में, जैसे आप किस फॉर्म में, आप ग्लूकोन डी के फॉर्म में यूज कर रहे हैं, अदर कुछ एनर्जी प्रोडक्ट के फॉर्म में यूज कर रहे हैं, वो आपका प्योर ग्लूकोज नहीं है. जैसे आप डॉक्टर्स के यहाँ जाते हैं तो उनकी जो बॉटल्स देखते हैं जिसमें सीधा बोलते हैं देखो इनकेस पेशेंट को कोई प्रॉब्लम्स है, तो क्या कर देते हैं, ग्लूकोज लगा देते हैं. तो वहां पर आप क्या देखते हैं, जब आप ग्लूकोज देखते हैं तो आपको पूरा कलरलेस दिखता है. ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, होमोजेनस मिक्सचर हो गया. टोटल मीनिंग समझनी है, ये जो थ्री ऑप्शन है ए बी सी, ये आपके कैसे हैं, होमोजेनस है. कैसे हैं, होमोजेनस आपके मिक्सचर है. ठीक है, बट हम लोग चलते हैं मिक्सचर ऑफ क्ले एंड वाटर. अब अगर हम बात करें, हम यहाँ पर क्या ले लें, सॉइल ले लें, सॉइल पार्टिकल्स ले लें और वाटर में हम मिक्स कर दें. ठीक है, ऐसे आप समझिए मिट्टी के कण लेकर हम किस में मिक्स कर रहे हैं, वाटर में मिक्स कर रहे हैं. ठीक है, तब वहां पर आपको क्या दिखेगा, होमोजिनस नहीं दिखेगा, वो आपको कैसा दिखने वाला है, हेट्रोजिनस. कैसा दिखने वाला है, हेट्रोजिनस दिखने वाला है. तो दैट मीन्स यहाँ पर मीनिंग क्या हो जाएगी, अगर आपका वो हेट्रोजिनस दिख रहा है तो यही तो हमें सिलेक्ट करना था ना, कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए होमोजिनस. दैट मीन्स कौन सा मेरा होमोजिनस नहीं है. अब कौन सा नहीं है, तो इसकी मीनिंग क्या हो गई, कि ये हमारा हेट्रोजिनस है तो होमोजिनस नहीं है. यही आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. समझ में आया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की. तो यहाँ पर आप देखते हैं क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोजिनस मिक्सचर. दैट मींस यहाँ पर जो आपको गिवन है, यहाँ पर जितने भी मिक्सचर्स हैं ये आपके कैसे हैं, होमोजिनस मिक्सचर हैं. कोई वन आपका ऐसा होगा जो कैसा होगा, हेट्रोजिनस होगा. तो आइए हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं. देखिए यहाँ पर आपका क्या है, मिक्सचर ऑफ एस्टिक एसिड एंड वाटर. अब एस्टिक एसिड का फार्मूला आपका होता है CH3COOH और आपका वाटर क्या होता है, H2O. आपको बता दें दोनों क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं. और जब दोनों कलरलेस होते हैं दैट मीन्स हमें यूनिफॉर्म दिखते हैं. और सबसे अच्छी बात यह है कि ये दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं. उसके बाद हम बात करते हैं इथेनॉल एंड वाटर. तो भाई सभी लोग इसका एग्जाम्पल तो जानते हैं कि जो हमारा इथेनॉल होता है, बेसिकली आपने ये देखा होगा कि कुछ लोग एल्कोहल्स क्या करते हैं, ड्रिंकिंग फॉर्म में यूज करते हैं. तो जो ड्रिंकिंग फॉर्म में यूज कर रहे हैं वही हमारा क्या है, एथेनॉल है. और आपने देखा होगा वाटर वो मिक्स करते हैं, तो भाई वाटर मिक्स कर रहे हैं दैट मीन्स वो आपका क्या होता है, आपको देखने को मिलेगा बहुत अच्छे से वो मिक्स हो जाता है. कहीं पर हमें हेट्रोजिनस दैट मीन्स अलग अलग फेज देखने को नहीं मिलती है. एथेनॉल का फार्मूला होता है CH3CH2OH और इस किससे मिक्स हो रहा है, वाटर से. नेक्स्ट हमारा है मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर. अब एसीटोन जो आपका है वो क्या है, CH3COCH3, ये आपका एसीटोन है. और वाटर से रिएक्ट करते हैं, ये भी क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है. और जितने भी हमारे थ्री हैं,
आपके ए बी एंड सी अगर हम बात करें तो हमें देखने को कैसे मिलते हैं, होमोजीनस देखने को मिलते हैं, ये हमारे होमोजीनस है। इनकेस हम बात करते हैं केरोसिन ऑयल की बात करते हैं और वाटर की बात करते हैं, तो सिंपल थिंग्स आपको ये समझना होगा कि जैसे हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है और उस कंटेनर में हम लोग क्या ले रहे हैं, ऑयल ले रहे हैं और क्या ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं। तो आप जानते हैं जो ऑयल है और वाटर है उनके बीच बॉन्डिंग नहीं होती है। अब उनके बीच बॉन्डिंग नहीं होती है तो आपको क्या दिखेगा, अलग अलग लेयर दिखने के लगेगी, क्या दिखेगी, अलग अलग लेयर दिखने लगेगी। और जब अलग अलग लेयर दिखने लगेगी तो इट मीन्स आपको अपने माइंड में रखना है कि जब लेयर हमारी क्या हो गई है, डिफर हो गई है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर हमें दिख रही है, इसका मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोजिनस मिक्सचर बोलेंगे, ऑयल और वाटर आपका मिक्स नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है, दैट मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोजिनस मिक्सचर, या आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, कि जो आप हम केरोसिन ऑयल को या किसी भी टाइप्स के ऑयल को हम क्या करेंगे, वाटर में जब मिक्स करेंगे तो यहाँ पर हमें डिफरेंट डिफरेंट लेयर देखने को मिलेगी, दैट मीन्स ये क्या हो गया, हेट्रोजिनस मिक्सचर हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, दैट मींस आपके पास फोर स्टेटमेंट दिए गए हैं, ए बी सी एंड डी। यहां पर आपको सिलेक्ट करना है कौन सा स्टेटमेंट हमारा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। अब देखिए यहां पर आपके पास फोर स्टेटमेंट है, एक्चुअल में थ्री स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है, कोई आपका ऐसा वन स्टेटमेंट ऐसा है जो हमारा क्या है, फॉल्स है। तो आइए हम लोग चेक करते हैं। पहला यहाँ पर है, प्योर सब्सटेंसेस आर फर्दर क्लासिफाइड एज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, यस। आइए मैं बात कर लूँ, ऑलरेडी इस वीडियो में मैं आपसे बात कर चुका हूँ कि जो हमारे पास कंपाउंड्स हैं, दैट मीन्स मैटर हैं, उनका कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो देखिए जो हमारे पास मैटर है, मैटर को हम लोग डिवाइड करते हैं किसमें, एक आपका प्योर होता है और दूसरा क्या होता है, इम्प्योर होता है, प्योर एंड इम्प्योर। और जब हम क्या करते हैं, ये प्योर को डिवाइड करते हैं तो अगला जो हमें मिलता है वो आपका क्या मिलता है, एलिमेंट एंड कंपाउंड, ये क्लासिफिकेशन है। तो दैट मींस इस बेस पे हम लोग समझ सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट है ये कैसा है, आपका करेक्ट है। चलिए ऑप्शन बी पे हम लोग चलते हैं, द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर डू नॉट रिटेन देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज। अब बोल रहे हैं कि जो हमारे पास मिक्सचर्स के कंपोनेंट होते हैं वो अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज को रिटेन नहीं करते हैं, दैट मींस लॉस कर देते हैं। तो भाई आपको माइंड में रखना है, जब हम लोग मिक्सचर्स बनाते हैं तो वहां पर जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज को लॉस नहीं करते, रखे होते हैं। अब ऐसे आप सिंपल समझिए ना कि जब हम लोग क्या कर रहे हैं, शरबत बना रहे हैं, शरबत में आपने क्या लिया, नींबू भी लिया, चीनी भी लिया। अब ऐसा थोड़ी है कि आप जब उसका टेस्ट करेंगे तो आपको नींबू का स्वाद नहीं आएगा, आपको चीनी का स्वाद नहीं आएगा, आपके टेस्ट आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो अपनी प्रॉपर्टीज को क्या करता है, लॉस नहीं करता है। अब अपनी प्रॉपर्टीज को लॉस नहीं करेगा तो दैट मींस जो ये आपका स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। और आपसे पूछा क्या, फॉल्स ही पूछा गया है, कौन सा हमारा रॉन्ग है, तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आइए और बात कर लेते हैं जो आपका ऑप्शन सी है, यहां पर कह रहे हैं ए कंपाउंड हैज ए डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, यस। दैट मीन्स अगर हमारे पास क्या है, H2O है, हमारे पास क्या है, CH4 है, हमारे पास क्या है, NH3 है, कोई भी कंपाउंड्स है, तो दैट मीन्स इनका जो कंपोजिशन होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा, आपका डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है। लास्ट में बात करते हैं, ए मिक्सचर हैज वेरिएबल केमिकल कंपोजिशन, 100% आपका ये करेक्ट है। दैट मींस कोई भी अगर हम मिक्सचर्स बना रहे हैं तो वहां पर हमारे पास ये डाटा नहीं होता कि फर्स्ट वाले कंपोनेंट को इतना परसेंटेज हमें लेना है, सेकेंड वाले को इतना लेना है। अभी जैसे मैंने एग्जाम्पल्स की बात की, आप शरबत बना रहे हैं तो आप ये नहीं देखते हैं कि हमें क्या लेना है, 1 लीटर अगर हम वाटर ले रहे हैं तो 200 ग्राम हम क्या लेंगे, शुगर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी फिक्स कंपोजिशन
नहीं होता है। दैट मीन्स कह रहे हैं मिक्सचर हैज ए वेरिएबल कंपोजिशन, यस वेरिएबल कंपोजिशन होता, कोई भी फिक्स नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन रॉन्ग है। और क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है, कौन सा हमारा रॉन्ग है, कौन सा हमारा फॉल्स है, उसी के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे क्वेश्चन आएंगे और उनके कैसे आंसर हम फाइंड आउट करेंगे। साथ में इस वीडियो में आप देखेंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका पार्ट वन भी देखने को मिल जाएगा और सम अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके इस मैटर अराउंड स्फीयर चैप्टर से हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। तो आप मेरे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।